Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's crusade against the corrupt seems to continue unabated. 2 days after Kejriwal showed the door to former Food Minister Asim Khan, Kejriwal warned all up MLAs that legislators, including in corruption, would not be spared. Addressing his MLAs, Kejriwal made an emotional plea to them and urged them to opt for honest and value-based politics. He also wanted them to think of their families before indulging in corrupt practices. The family members of all MLAs also attended the meeting on Chief Minister's invite. जो केस हुआ है बिल्कुल बहुत बड़ी एक बात हुई है और उसको लेकर जो संदेश दिया गया है तुरंत कार्रवाई की गई है ये उम्मीद हम सब कर रहे थे और मुझे लगता है आज की जो मीटिंग है हमारे परिवार मेरे पूरी फैमिली है और 70 मेरे माता जी हैं मेरे पिताजी हैं और हमारे 67 जितने विधायक हैं सभी के परिवारों को बुलाया गया ताकि एक संदेश जो है वो हमारे परिवारों तक से पूरे दिल्ली और हर जगह जा सके कि हम मैं इसको अच्छा और बुरा दोनों ही कहूँगा मगर हाँ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पूरे परिवार को बात करनी चाहिए उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। हम राजनीति बदलने के लिए आए और अगर इस बदलाव में अगर हमसे भी कोई गलती होती तो हम भी उसी सजा के पूरे पूरे हकदार हैं जिस सजा के लिए हम औरों से उम्मीद करते हैं कि उसे सजा मिले। बिल्कुल ठीक बात है जो अरविंद जी ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि सब लोगों से बात करेंगे भाई हम तो करप्शन को खत्म करने आए हैं। प्रेजेंस इन द मीटिंग अर्ग्ड दिल्ली कांग्रेस चीफ अजय माकन। He took to Twitter to lash out at the Delhi CM. Kejriwal ji with MLA family members on corruption and on high table with Kejriwal is fake degree ex Law Minister Tomar. Powered by NNIS.